गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डेल्टा को देखते हैं जो अपना बेबलेट दिखा रहा होता है। वैसे तुम लोगों को बता दूं कि इस बेबलेट का नाम इरेस डेवलोस है। उसके बाद डांटे कहते कि क्या वो इसे यूज कर रहा है, एंड तभी डांटे ड्रैगन से पूछता है हमें अब क्या करना चाहिए, एंड जो ड्रैगन होता है डांटे के सामने आ जाता है। तभी डांटे कहते हैं कि शायद इस बार हम हारने वाले हैं ड्रैगन, एंड तभी ड्रैगन कहते हैं कि आपने लॉन्चर की आवाज़ सुनो और एक लॉन्च कर दो, एंड तभी डांटे कहता है ये सब तो ठीक है पर इस बार उसका पलड़ा भारी है, एंड तभी ड्रैगन कहता है क्या तुम हार मान रहे हो। इसके बाद डांटे कहते हैं कि नहीं मैं कभी हार नहीं मानता। तभी ड्रैगन उससे कहते हैं कि तुम उससे वादा करो कि तुम सबसे स्ट्रांगेस्ट बेबलेडर बनोगे, एंड तभी डांटे ड्रैगन से कहते हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा ड्रैगन। इसके बाद डांटे रॉक ड्रैगन का यूज करने का सोचता है और कहता है कि मैं तुम्हें इससे हराऊंगा, एंड तभी डेल्टा कहता है कि रॉक ड्रैगन हाँ ये जल्दी चमकता है और मेरा एस डेवलोस इसे जल्दी खत्म कर देगा। इसके बाद डांटे कहते कि एस डेवलोस, एंड इसके बाद दोनों 3-2-1 चक्कर दे टक्कर बोलते हैं, काफ़ी घमासान लॉन्च कर देते हैं, एंड दोनों के बेब्लेड एकदम फाड़ू तरीके से लॉन्च हो जाते हैं। एंड तभी जो डेल्टा का बेब्लेड होता है वो काउंटर क्लॉकवाइज घूम रहा होता है, ये देखकर हमारा डांटे काफ़ी हैरान हो जाता है। तभी डेल्टा अपने डेवलोस को अटैक करने के लिए भेजता है, एंड डांटे जो होता है अपने ड्रैगन को वही टिके रहने के लिए कहता है, लेकिन जो डेवलोस होता है वो ड्रैगन को हवा में उड़ा देता है। एंड ये सब देखकर डांटे एक और बार ड्रैगन को टिके रहने के लिए कहता है, उन्होंने जैसे तैसे कर डिश में वापसी कर लेता है, एंड ये देखकर हमारा जो डेल्टा होता है काफ़ी हैरान हो जाता है, लेकिन डांटे खुश हो जाता है। इसके बाद डेल्टा एक और बार डेवलोस को अटैक करने के लिए भेजता है, एंड दोनों के बीच जो होते हैं काफ़ी घमासान टक्कर चल रही होती है, एंड तभी जो हमारा डांटे होता है वो कहता है कि ड्रैगन उसे दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद डेल्टा के पीछे उसका डेवलोस आ जाता है, उन्होंने कहता है कि क्या बात है मुझे और चाहिए और दिखाओ, एंड तभी जो हमारा डेल्टा होता है वो कहता है कि डेवलोस इसे खत्म करने का वक्त आ चुका है, एंड इसके बाद डेवलोस कहता है कि मुझे कब से इसका ही इंतजार था, अब तुम नहीं बचोगे ड्रैगन, एंड उसके बाद वो अपने ड्यूल पैंटम मूव को इस्तेमाल कर देता है, एंड तभी उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। इसके बाद जो डेवलोस का ड्राइवर होता है मतलब उसकी टिप डांटे के बेबलेट का काम तमाम करने के लिए जा रही होती है, एंड तभी जो हमारा डांटे होता है उसे वहीं पर टिके रहने के लिए कहता है, एंड उसे एक ही झटके में उड़ा देता है। इसके बाद हमारा डांटे पूरी ताकत से अपने ड्रैगन को बाहर निकाल देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तीनों के तीनों एक साथ टकराने वाले होते हैं, एंड तभी डांटे ये सब देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। इसके बाद हमारा डेल्टा जो होता है अपने डेवलोस को बाहर निकाल देता है, एंड तभी जो हमारा डेल्टा होता है अपना स्पेशल मूव क्लोन कैनन अटैक को यूज करता है। इसके बाद माहौल एकदम फिनिक्स टाइप हो जाता है, वैसे आपको ये अटैक देखकर फिनिक्स की याद आ जाएगी, एंड इसके बाद वो अपना क्लोन कैनन अटैक को यूज करता है, एंड जोर से ड्रैगन के 250 टुकड़े कर देता है, एंड ये देखकर हमारा डांटे कहते हैं कि ड्रैगन। इसके बाद डेल्टा कहता है कि मुझे तो यही पसंद है, एंड तभी उसके सामने डेवलोस आ जाता है, एंड डेवलोस उससे कहता है कि वो बेबलेट तो सच में काफ़ी टेस्टी था, एंड इसके बाद डेल्टा कहता है कि क्या तुम्हारा मन भर गया, तभी डेवलोस हाँ कहता है। इसके बाद वो असली दुनिया में आ जाता है, वो कहते हैं कि यह अब ख़त्म हुआ। इसके बाद डेल्टा वहाँ से जा रहा होता है, एंड तभी आर्मन उसे रोकता है और कहता है कि तुम्हारा अगला अपोनेंट मैं हूँ। उसके बाद डेल्टा उसे देखता है, वहाँ से चला जाता है, एंड तभी आर्मन कहता है कि हे तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, एंड तभी डेल्टा बाहर आता है और कहता है कि डेवलोस हमें और भी बेबलेट से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो डांटे होता है अभी भी दुख मना रहा होता है कि वो किस तरह से बैटल हार गया है, एंड तभी आर्मन कहता है कि क्या दिन भर तुम ऐसे ही बैठने वाले हो, एंड तभी डांटे काफ़ी उदास होता है, एंड वो बार बार याद करते हैं कि डेल्टा ने उसे किस तरह से हराया था। वैसे आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जब से डेल्टा यहाँ पर आया है डांटे एक भी बैटल नहीं जीत पाए उससे। इसके बाद डांटे अभी भी दुख मना रहा होता है, एंड तभी अंकल कहते हैं कि कुछ भी कहो मुझे तो एक बैटल काफ़ी कमाल की लगी, एंड इसके बाद आर्मन उनसे कहते हैं कि हे अंकल आपने उसे कान में क्या बताया था, एंड तभी अंकल कहते हैं कि अच्छा वो बात मैंने तो उसे बताया था कि फुल कॉन्फिडेंस रहो और एक ज़ोरदार लॉन्च कर दो, बस इतना ही बताया था। इसके बाद आर्मन कहते हैं कि क्या बस इतना ही, एंड इसके बाद अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो डेवलोस है काउंटर क्लॉकवाइज बेबलेट है, और वो जितनी बार भी एक डिफेंस टाइप बेबलेट को टक्कर मारेगा वो किसी भी तरह अपने डिफेंस टाइप एबिलिटी से स्टेडियम पर वापसी आ ही जाएगा। इसके बाद अंकल कहते हैं कि पर मुझे नहीं लगा था कि डेल्टा इतना टफ अपोनेंट होगा, एंड तभी अंकल उठते और आर्मन से कहते कि है आर्मन अब तुम्हें उसे हराना होगा, तुम्हें याद है किस तरह से उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया था, एंड तभी आर्मन कहता है कि हाँ कोई भी बंदा ऐसे मुझे इग्नोर नहीं कर सकता।
तभी जो आर्मन होता है वो अपने डांटे के पास आ जाता है और कहता है कि क्या तुम दिन भर ऐसे ही बैठने वाले हो। एंड तभी डांटे कहता है कि क्या। एंड तभी आर्मन कहता है कि चलो ये ट्रेनिंग का वक्त है। एंड तभी डांटे कहता है कि ठीक है। इसके बाद दोनों बैटल के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों लेटेड रिप कहकर काफी घमासान लॉन्च कर देते हैं। एंड जो आर्मन होता है आते हैं अपना स्पेशल मूव कर देता है जो होता है टावर काउंटर। इसके बाद वो ड्रैगन को काफी कड़ी टक्कर देता है। एंड इसके बाद हमारा ड्रैगन होता है एक ही झटके में बस्ट हो जाता है। एंड ये देखकर डांटे की आंखें फटी की फटी रह जाती है। इसके बाद आर्मन कहते हैं कि हे डांटे चलो एक और बार। एंड जो आर्मन का बेबलेट होता है अशिंद्रा वो बार बार बस्ट करते जा रहा होता है ड्रैगन को। इसके बाद डांटे के आंखों के सामने उसका बेबलेट बस्ट होते जा रहा होता है। एंड तभी आर्मन कहते हैं कि तुमने तो मेरा सारा वक्त बर्बाद कर दिया, ये तो मुझे वेस्टिंग टाइम लगता है। एंड तभी डांटे को काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो वहां से चला जाता है। एंड तभी आर्मन का भाई टाका उसे रोकता है, वो कहता है रुक जाओ डांटे। एंड इसके बाद आर्मन उसे कहते हैं कि उसे मत रोको टाका, उसे जाने दो। इसके अगले सीन में हम डांटे को देखते हैं जो अपने बेबलेट को देख रहा होता है। एंड तभी जो ड्रैगन होता है उसमें से अजीब सी रोशनी आती है एंड हम देखते हैं कि डांटे के सामने ड्रैगन होता है। इसके बाद डांटे ड्रैगन से माफी मांगता है एंड तभी ड्रैगन कहता है पर किस लिए, तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। एंड तभी डांटे कहता है कि हाँ पर मैं डेल्टा से नहीं जीत पाया। इसके बाद ड्रैगन कहता है कि बुरा मत मानो, अगली बार तुम उससे भी स्ट्रांग होकर आना और उससे दोबारा चैलेंज करना और जीत जाना। इसके बाद डांटे कहता है कि ड्रैगन। तभी डांटे थोड़ी देर वहाँ बैठता है एंड अगले सीन में हम डांटे को देखते हैं जो गुस्से में आ रहा होता है। एंड तभी वो आर्मन से पूछता है कि क्या तुम तैयार हो। एंड तभी आर्मन कहता है कि किस लिए। एंड तभी डांटे कहता है कि मुझसे एक और बार बैटल करो और मैं इस बार तुम्हें हरा दूंगा। एंड तभी आर्मन कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम मुझे हरा पाओगे। एंड तभी डांटे कहता है कि ठीक है आ जाओ देखते हैं किस में कितना दम है। एंड तभी आर्मन कहता है क्या तुम्हें याद नहीं पिछली बार तुम किस तरह से हारे थे। एंड इसके बाद दोनों लॉन्च के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों जक्कर दे टक्कर बोलते हैं लॉन्च कर देते हैं एंड यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो यार उम्मीद है वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उस बेल वाले आइकन को भी ऑल पर सेट कर देना और एक वीडियो को प्यारा सा कमेंट कर दो। यार कमेंट नहीं करते यार, बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं पर कमेंट नहीं करते, बहुत बुरा लगता है। प्लीज़ यार कमेंट किया करो ताकि मुझे पता चल सके कि आपको और क्या क्या चाहिए। तो यार कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो आप में मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए